वीडियो में ब्रेक लेना नॉट वेरी हैप्पी। अभी डाउनलोड करें तक ऐप। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में लॉकडाउन बड़ी दवाई तो है, लेकिन कुछ लोगों के लिए ये अभिशाप भी बन गया है। बंगाल से वेलोर इलाज के लिए गए लोगों को इस लॉकडाउन से बुरी तरह से नुकसान हुआ, क्योंकि पहले इलाज नहीं मिला और अब किसी तरह से वो लौटे तो उन्हें बॉर्डर पर ही रोक दिया गया। कोरोना की जंग में जान भी जरूरी है और जहान भी जरूरी है, लेकिन लॉकडाउन इन मरीजों के लिए आफत बन गई है। पश्चिम बंगाल के बॉर्डर पर फंसे ये लोग अपने ही राज्य में आने का इंतजार कर रहे हैं। 3 दिन हो गए लेकिन इंतजार खत्म नहीं हुआ। 35 साल की अरेसा बीबी अपने 18 साल के भाई के साथ 3 दिनों से सड़क पर फंसी हैं। वो इलाज के लिए वेल्लोर गई थी लेकिन लॉकडाउन में फंस गई। महीने भर होटल में बंद रही, आखिर में हार कर 1 लाख रुपए में एम्बुलेंस कर 3 राज्यों की सीमा पार कर यहाँ पहुँची, लेकिन अपने ही राज्य में घुसने नहीं दिया जा रहा। कुछ लोग तो परेशान होकर आपा खो बैठे। प्रशासन की हिकारत उन्हें बेचैन कर रहा है। 3 दिनों से इंतजार कर रही मताली दास कहती हैं कि एसपी ने कहा यहाँ तो मामूली पेट दर्द में भी लोग वेल्लोर चले जाते हैं। वेल्लोर से इलाज से लौटने वाले 100 से ज्यादा लोग हैं, जिन्हें राज्य की सीमा में आने के लिए मशक्कत करनी पड़ रही है। काफी हील हुज्जत के बाद प्रशासन ने कुछ लोगों को आईआईटी खड़गपुर में शिफ्ट किया है, जहां मेडिकल जांच के बाद उन्हें घर रवाना किया जा रहा है। इस लॉकडाउन के समय में भी अपने घर पहुंचने के लिए हर व्यक्ति कोई न कोई प्रयास कर रहा है। कोई हवाई रास्ता ले रहा है तो कोई सड़क का सहारा और कहीं रेल का सहारा, जब तक संभव हो। लेकिन इन सब के बीच में एक और जहां कोरोना से लड़ाई है तो वहीं समुद्र की गहराई है, और इन सब के बीच में अब तो जान पर भी बनाई है। वेस्ट मिदनापुर से शेख जहां अली और कोलकाता से मनोज लोहिवाल के साथ आज तक ब्यूरो। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओमकश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।